नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज हेडक्वार्टर्स पर। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो आ रही है चेन्नई से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेना को 118 अर्जुन टैंक सौंप दिए हैं। इन अर्जुन टैंकों की खास बात यह है कि ये पूरे तरीके से स्वदेशी हैं, मेड इन इंडिया का एक अहम हिस्सा हैं। अगली बड़ी दुखद खबर जो है वो है, आज पुलवामा हमले को पूरे 2 साल हो चुके हैं। आज ही के दिन हमारे जवान पुलवामा हमले में शहीद हुए थे। न्यूज़ हेडक्वार्टर्स और उनकी पूरी टीम इन जवानों को पूरे दिल से नमन करता है और साथ ही इनके परिवार के प्रति सहानुभूति रखता है। यहाँ अगली बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहाँ पर सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। तकरीबन 10 महीने के बाद 16 फरवरी को सरकार ने स्कूल और कॉलेजों को खोलने का आदेश जारी कर दिया है। इन विषयों पर चर्चा जोरों शोरों से चल रही थी, बहरहाल आज ये फैसला ले लिया गया है। सब कुछ ठीक रहा तो 16 फरवरी से स्कूल और कॉलेज शुरू कर दिए जाएंगे। जहां अगली बड़ी खबर आ रही है रिंकू शर्मा को लेकर के, जहां अब यह मुद्दा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। बताया जा रहा है कि अलग अलग जिलों से इन पर प्रतिक्रिया आना अभी से शुरू हो गई है, जहां पर लोगों ने इनके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। जहां अगली बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के कोरबा से, जहां पर ट्रांसपोर्ट नगर चौक पर हिंदू क्रांति सेना द्वारा भाई रिंकू शर्मा की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया थी। उनके कार्यकर्ताओं ने बैनर लगाकर उनके दोषियों को फांसी देने की भी मांग की। यहां अगली बड़ी खबर आ रही है पेट्रोल और डीजल के दामों में आए उछाल को लेकर के, जहां पर ये एक बेहद परेशानी का सबक बनता जा रहा है। लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती जा रही है। बहरहाल सवाल ये उठता, सरकार आई सरकार गई, मगर पेट्रोल और डीजलों के दाम में कभी भी कटौती नहीं हुई, जो कि एक बेहद ही सोचने का विषय है। आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। 14 फरवरी वैसे तो मशहूर है वैलेंटाइन डे मनाने के लिए, इस दिन लोग अपने प्यार का इजहार करते हैं, मगर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक नागरिक होने के नाते देश प्रेम से बढ़ के और कोई प्रेम नहीं होता। आज ही से तकरीबन 2 साल पहले हमारे जवान पुलवामा में एक हादसे में शहीद हो गए थे, इसलिए हमें यह दिन एक काला दिवस को याद करते हुए मनाना चाहिए। याद रहे, अगली बार जब आप वैलेंटाइन डे मनाएं तो हमारे जवानों की कुर्बानी ना भूलें। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपके कमेंट ज़रूर पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन ऑन कर लें। हमसे जुड़ने के लिए या हमें कोई संदेश न्यूज़ भेजने के लिए हमारे दिए गए नीचे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, हम आपके सुझाव और खबर ज़रूर लेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अब अगली नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।